यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संतोष यादव ने एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि संतोष यादव डिप्टी स्पीकर हैं और एमएलए हॉस्टल का यहां पर औचक निरीक्षण किया गया है। एमएलए हॉस्टल में कई खामियां पाई गई हैं, इस निरीक्षण के बाद ये निकल कर आया है, कई खामियां पाई गई हैं। संतोष यादव ने एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया है, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद क्या कुछ निकल कर आया है ये अभी जानना बाकी होगा, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई खामियां पाई गई हैं। एमएलए हॉस्टल का यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने इस एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया, जिसके बाद इस हॉस्टल से कई खामियां सामने आई है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया, इसके बाद कई खामियां पाई गई और अभी ये जानना बाकी होगा कि किस तरह की खामियां पाई गई हैं। तो आपको बता दें कि संतोष यादव डिप्टी स्पीकर ने एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया है। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खाने का जायजा लिया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जितने भी एमएलए आते हैं वो किस तरह से रहते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर संतोष यादव यहाँ पर मौजूद हैं और खाने की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रही हैं। मेस यहाँ पर हमें ऐसे लग रहा है कि ये मेस की तस्वीरें हैं, जहाँ पर डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जायज़ा ले रही है कि किस तरह का खाना परोसा जाता है, सफाई यहाँ पर तंदुरुस्त है या नहीं है। और आपको बता दें कि इस निरीक्षण के बाद कई खामियाँ पाई गई हैं और अभी ये जानना बाकी होगा कि किस तरह की खामियां जो हैं वो सामने आई है। तो यहाँ पर एकदम से औचक निरीक्षण किया गया डिप्टी स्पीकर संतोष यादव की तरफ से, जहां पर एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद कई खामियां सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खाने का जायजा लिया जा रहा है, एमएस का जायजा लिया जा रहा है और जितने भी एमएलए यहाँ पर आते हैं किस तरह से रहते हैं, साफ सफाई का यहाँ पर पूरा बंदोबस्त है या नहीं है, किस प्रकार का खाना दिया जाता है, खाने की क्या क्वालिटी है, इस प्रकार का यहाँ पर निरीक्षण किया गया और इस पूरे निरीक्षण के बाद कई खामियां जो हैं वो सामने आई हैं। तो जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं वो सामने आई हैं इस निरीक्षण के बाद, और हालांकि अभी ये जानना बाकी होगा कि क्या खामियां सामने आई हैं। यहाँ पर खुद डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जायजा ले रही है इस एमएलए हॉस्टल का। और इस बीच डिप्टी स्पीकर संतोष यादव से हमारे संवाददाता ने बात की। हरियाणा विधानसभा की एक कैंटीन है जिस पर आज जो डिप्टी स्पीकर संतोष यादव खुद पहुंची हैं और चेक करने की क्या वाकई खाना सही मिलता है, और सही मिलता है तो क्या साफ सुथरा भी मिलता है। मैडम, आप पहुंची यहाँ पे, आपने रसोई से लेकर के स्टोर तक सब जगह निरीक्षण किया, क्या देखा और हकीकत में क्या होना चाहिए? हकीकत में तो सब्जी अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकें, हम एमएलएज की सुविधा पूरी तरह से हम उनको दे सकें, अच्छी तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मैंने आज कैंटीन का औचक निरीक्षण किया है, स्टोर का भी औचक निरीक्षण किया है, उसमें कुछ खामियां मिली हैं, सब्जी अच्छी तरह से नहीं थी, सब्जी गली हुई थी, फ्रिज भी साफ नहीं था, उसमें जंग लगा हुआ और पानी था, और इसी तरह से घी में कॉकरोच और मक्खियां पड़ी हुई थी। तो अब आगे से ठीक किया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसके लिए हम पूरे इंतजाम करेंगे और अपने स्टाफ को अच्छे तरह से सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, जो जो कमी है वो इनसे भी वार्तालाप की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा, जो कोई काम करना नहीं चाहता उसके खिलाफ। अमूमन जो हॉस्पिटलिटी की सर्विस होती है वो ये माना जाता है कि सबसे अच्छी होती है, क्या लगता है कि भी और सुधार क्या होना चाहिए? वैसे हमने जाकर देखा है, मेरे विधायक भी साथ हैं, कि हमारा ये एमएलए हॉस्टल है, इसको और हम सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड कर सकें, हम मॉडल के रूप में इसको डेवलप कर सकें ऑल ओवर इंडिया में, तो इस तरह की हमारी दिमाग में है कि हम अच्छा सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, अच्छा खाना भी प्रोवाइड करें और अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, ये हमारे दिमाग में है।
ढाई बजे आपने मीटिंग भी कॉल किया, कुछ खास एजेंडा रखा है खास कर? ये जो आज मैं देख कर जाना चाह रही थी कि क्या क्या खामी है, इन्हीं बात को लेकर हमने मीटिंग रखी हुई है और उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। जो चीज कमियां पाई क्या उस पर एक्शन लेने की भी तैयारी है? जरूर, निरीक्षण इसलिए किया है कि हम इनको जो खामी है इनको दूर कर सकें और अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। डिप्टी स्पीकर मैडम जो कह रहे थे कि आगे भी सुधार करेंगे, हमारे साथ विधायक साहब भी हैं। विधायक साहब आप अमूमन आते हैं यहाँ पर, खाना भी खाते हैं, क्या लगता है कि क्या वाकई इतना कुछ है स्थिति की जो है जो सुधार होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सारे MLA जितने भी जो मीटिंगें होती हैं जब आते हैं विधायक ठहरते भी हैं और जो फ्लैट हैं उनके पास वो भी यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हमने यहाँ पर निरीक्षण किया है और मौके पर देखा है कि जिस तरीके से सब्जियाँ सड़ी हुई रखी हुई थी, घी में कॉकरोच और जगह जगह गंदगी जो मिली है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर खाने की जो हम उम्मीद करते हैं वो खाना नहीं मिल रहा, इसको हम उचित कार्रवाई के रूप में आज हम मीटिंग में एजेंडे को रखेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। जिस तरीके की कामियाँ हुई हैं उनको दूर करा जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था सही होनी चाहिए, मैडम ने कुछ कमियां भी देखी, और क्या लगता है कि आप यहां भी खाते हैं विधानसभा के अंदर भी इन्हीं की सर्विसेज है, वहां भी है, तो क्या लगता है दोनों में कुछ अंतर है साफ़ सफाई में, वहां ज़्यादा है यहां कम है ऐसा कुछ? नहीं देखिए वहां का भी खाना यही हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बना रहा है यहां पर भी, और यहां पर कई सालों से जो है हम देखते आ रहे हैं कि MLA हॉस्टल के खाने की तो मिसाल दी जाती है कि यार वहां सादा और सिंपल खाना मिलता है और इसीलिए लोग यहां पर आकर खाना चाहते हैं। MLA भी ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा हैवी खाना ना हो और इसीलिए यहाँ पर बनता है और लाइट खाना बनता है। लेकिन आज जिस तरीके से जो निरीक्षण किया है उसमें जो खामियाँ पाई है वो बिल्कुल चिंताजनक है और उनको उनके ऊपर विचार विमर्श करके जो कदम उठाया जाएगा वो सख्त से सख्त उठाया जाएगा और जो अच्छा खाना मिलना चाहिए उसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विधायक साहब का कहना है कि जो अभी मिल रहा है वो सही है और दूसरी चीज़ ये है कि आगे इसमें सुधार होना चाहिए, इस प्रकार की गुंजाइश होती है। कैमरामैन ललित के साथ कुमार रमेश, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।